जय बद्री विशाल ताशु फंटी के एक और नए ब्लॉग में सबका स्वागत है करता हूँ। सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो फिर मैं हूँ आजकल अपने गांव पंचाली जो पड़ता है पौड़ी जिले के कलजीकाल ब्लॉक पट्टी मनी आठ और नियर बाई जो मार्केट हमारे घंडियाल कांस के तौर बने एक है। तो फिर आजकल श्राद्ध चल रहे हैं जो कल मैंने आपको दिखाया था कल वाले ब्लॉग में। दादाजी आ रखे हैं जो खूब कॉमेडी करते हैं तो उनके मतलब छोटे भाई हैं और उनकी बहुत टाइम पहले डेथ हो गई थी तो इस बार वो तर्पण करा रहे हैं। तो अभी दादाजी ने जरा मुझे नीचे बुला रखा है कि आज बोल के तेरा दिन का भोजन इधर ही है। तो अभी चलते हैं जरा नीचे और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है नीचे गांव में। ये देखो भाई बॉयस क्या तुमने आज मोटर मैकेनिक बन रखे हो ओहो क्या नई लाइट मॉडिफाई कर रहा है भाई गाड़ी अपनी राइडर बन रहा है राइडर भाई इसकी खराब हो गई ना पीछे छपरी बंद है छपरी या 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 और तूने तेरे को जब मैंने अच्छे दे रखे थे तो तूने क्या पहन रखे हैं ये सही लग रहे हैं ये तो मेरे बढ़िया वाले दिए आज ना वो क्यों नहीं पहन रहे तू छोटे लग रहे बहुत ज्यादा तो लेट आ रहा है हाथ भी धोए तूने इतना जवान लड़का है तेरे को सबसे पहले पहुंचना चाहिए था भाई तो अभी तो कैमरा बंद होने के बाद कहूंगा तो फिर अभी नीचे हो गया है ब्राह्मण भोज और अब बारी है जो खाली पेट वाले हैं जजमान भोज के जजमान भोज के भाई साहब 36 पकवान लग रखे इधर चावल मिक्स वेज शाही पनीर गुदड़ी की सब्जी इधर सैलेड पूरी रोटी खीर आइए देखो ठीक है अंकल फीलिंग बेटर गर्लफ्रेंड से मिलने कब जाएगा गर्लफ्रेंड दो अच्छा दो तो बढ़िया साहब हम जरा भोजन करता था। A few hours later. तो फिर बढ़िया से दिन में लंच कर लिया था दादाजी और उनके घर पे और अभी बढ़िया से सोच आके ऑफिस का काम निपटा के मैं जा रहा हूँ जरा अपना जो लोकल मार्केट है घंडियाल कांस के वहाँ पे एक स्पेशल पर्सन आए हुए हैं तो मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं नवीन रावत जी जो कोटद्वार के निवासी हैं मूलतः और आप लोगों ने तो देखा ही होगा ऑलमोस्ट जो लोग भी यूट्यूब देखते हैं या तो जो एक बार उनका चैनल देख ले तो फैन हो जाएगा बिल्कुल। तो उन्होंने अभी नया चैनल शुरू करा है रावत जी करके ब्लॉगिंग कर रहे हैं और जो उनकी वाइफ हैं वो कांस्कित स्कूल में टीचर वर्क कर रही है। तो फिर जब वो आए थे कांस्कित तो उन्होंने मुझे अपना पहला ब्लॉग भेजा और मैं बिल्कुल शॉक्ड भी हो गया सरप्राइज भी हो गया। मैंने कहा वाह यार कहाँ से पहुँच गए। तो फिर तब मैंने उनसे बात वगैरह हुई फिर मैं अभी घूम ही रहा था इधर उधर तो मैंने कहा जब घर पहुंचता हूँ तो फिर उनसे मिलता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखना है अभी। तो फिर अभी जरा जाते हैं उनसे मिलते हैं और उसके बाद फिर आगे का कुछ प्लान करते हैं जिससे कि साथ में और भी वीडियोस बना सकें। तो फिर बढ़िया से अभी अपने गांव से और कांस्कित के बीच में एक जगह पड़ती है बांचखाल तो वहां पे आ गया हूं और मैं आपको दिखाता हूं दो चीजें। पहले तो इस साइड देखो इधर आसमान ऑलमोस्ट साफ है थोड़ा थोड़ा कोहरा लगा हुआ है और इस साइड है बांचखाल भाई साहब इधर पूरा कोहरा लगा हुआ है मतलब इधर देखो पूरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा साफ तो इधर कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा बस यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर है कांस्कित तो चलते हैं सीधी चढ़ाई से कांस्कित। तो फिर अभी थोड़ा सा बांचखाल से ऊपर आ गया हूँ मैं और यहाँ पे देखो भाई तो यहाँ पे देखो पूरा नीचे चली गई है भाई रोड आगे से पूरा टूट गया है बस इतनी सी रोड आई है जो ये दिख रही है आपको व्हाइट पट्टी बाकी इधर मुझे लग रहा है जेसीबी लगा के ठीक ठाक कराया गया है तभी यहाँ पे मतलब फोर व्हीलर नीचे जा रहा होगा अदरवाइज तो यहाँ पे भाई साहब पाइप भी टूट गया है पूरा जर्नी हम कांस के जाना चाहिए और नवीन भाई मकान मालकिन जी भी मिल गई ना विपिन भाई की माता जी अकन्ना जाना चाहो आप मिट्टी घूम जाओ पूरे घासो अच्छा आज सुबह रमनी लगा अच्छा अच्छा
ना ना ठीक छे ठीक छे। तभी जाना चाहे जरा आप घर में ही जाना चाहे तो ठीक छे। ना भाभी भी हम काम का नहीं रहना आजकल, पार्लर सिखानी चाहे क्या कम्प्लीट? अच्छा अच्छा ठीक है, मिले का नाम था भाभी थे हम। तो फिर बढ़िया से कांस के पहुंच गया मैं, और जरा आपसे मिलाते हैं नवीन भाई से, कहाँ हैं दिख नहीं रहे, बस छत में ही चावल में। हाँ जी भाई जी प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री राम। निकल गया ना, 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 मैं वैसे ही ब्लॉग शूट बढ़िया काम वाम निपटा दिया ना तेरे नीचे, काम निपटा दिया पूरा निपटा के, मैंने कहा बादल लगे हुए अभी बढ़िया, मैं समझ गया था इसीलिए आप छत पे आ रहे हो, रोक नहीं पाया। हाँ, मुझे नहीं पता था मेरा टाइम से पहुंच गया मैं सो गया था, मैंने टाइम देखा मैंने कहा 4:30, अरे मैंने कहा डिले हो गया। और देखो अभी हमारे साथ है आशु। ए फ्यू मिनट्स लेटर, तो फिर अभी आप लोगों से मिला लिया था मैंने नवीन भाई से। नवीन भाई कैसे लग रहा है आपको अभी कांस के? बहुत सुंदर लग रहा है यार, मतलब मैं जब जब उठ रहा हूँ, जब जब जिस सेकंड उठ रहा हूँ मेरा मन कर रहा है कैमरा का है, मतलब मैं मेरे को ऐसा हो रहा है कि यार क्या शूट कर लूँ उस फिराक में, मतलब कुछ ना कुछ मैं जो है कर ले रहा हूँ फिलहाल, बट बहुत सुंदर है। इनफैक्ट अगर अभी भी देखोगे जैसे ऐसी घूम जा तो देखो क्या मतलब ब्यूटी है यार वही बहुत सुंदर है कांच के तो है ही। बाकी आप आए हो पहले इस वाले रूट? मैं मतलब मैं कुछ टाइम पहले ही आया था और मुझे किन्हीं ने बताया था कि देखो सतपुली से पौड़ी तक का मतलब एक अल्टरनेट रूट भी है, तो बोला कि इस रूट से जाओ। तो उस समय तो हम खाली ये था कि मतलब रुके नहीं कहीं पे। अच्छा। बस खाली रूट देख लिया कि यार ये एक अलग रूट भी, क्योंकि हम उस रूट से भी बोर हो गए थे, इधर से जाना रहता जाना वाला ना, तो बस वो रूट देखा था लेकिन कभी गाँव एक्सप्लोर नहीं किए थे। और टचवुड मतलब बड़ा प्यारा गाँव है ये, बहुत ठंडा भी अभी तो मतलब क्या बोलते हैं सर्दियों के टाइम पे बर्फ भी गिरती इधर। हाँ मेरे को बताया उन्होंने कि सर्दियों में तो प्रॉपर बर्फ भी गिरती, अभी 3 दिन की बारिश हुई थी ऐसी कुड़कुड़ी हो गई, मैंने कहा इतना लोअर लाया हूँ गर्म वाले ना सॉक्स लेके मतलब इतना आइडिया नहीं था कि इतनी ठंड लगेगी। हाँ तो कोटद्वार के कंपेरिजन में मतलब ठंडा भी है और बढ़िया यार, जैसा सोचा था मतलब मेरे ख्याल में उससे अच्छा है। बाकी मैं नवीन भाई को बता ही रहा था कि मतलब जो उनके ब्लॉग्स होते हैं काफी रिफ्रेशिंग होते हैं, मैं लेता हूँ। अच्छा, मैं तो मतलब मैं तो मेरे तो फैन मूवमेंट हो गया था नवीन भाई सच में। मैं बहुत, मैंने जो है आशु का पहला वीडियो देखा था, मतलब खुद से मेरे पास आया था होम पेज में कि ये मेले वाला था, कौन सा मेला था वो नोएडा मार्क का, मैंने इसको देखा मैंने कहा भाई तो हास्य कलाकार है फिर इसने मेरे को बोला था अभी मेरे ख्याल में कुछ 3-6 महीने पहले की मिलते हैं, तो उस समय नहीं हो पाया था मिलना कोटद्वार में, बट अब देखो किस्मत मिला देती है कहां, तो मैं यहां आ गया। सही बात है। तो अभी मैं बता रहा था नवीन भाई को कि जब लास्ट ईयर गए थे वो केदारनाथ ट्रिप पे, और उसके बाद क्या कहते हैं पांचवें प्रयाग का आपने कवर कर रहे थे, तो लास्ट ईयर मम्मी की ना थोड़ा तबीयत खराब थी, तो मम्मी दिल्ली थी और मम्मी को मैंने कहा क्या दिखाऊं, अपने गांव के ब्लॉग तो दिखा देता था जो शादी वगैरह कर रहते थे क्योंकि उनमें सब दिख जाते हैं, और तबियत तबियत को ज्यादा ही खराब थी लास्ट ईयर मम्मी की, मतलब आपके ब्लॉग मम्मी को पंचप्रयाग वाले केदारनाथ वाले, तो मम्मी को पता रहता था कि कल कहाँ पे दिखी थी, क्योंकि कोटद्वार रोल नॉन वकम तक पहुंच गया था तो काफी मतलब बहुत अच्छे थे वो वाले एपिसोड ना, वो तो सब तो होते ही हैं बट वो वाले तो काफी अच्छे लग रहे थे, वो थोड़ा धार्मिक वाले उसमें थे ना, और फिर जब बीमार रहते थे ऐसी चीजें देखने का अच्छा लगता है, अच्छा लगता है क्योंकि गंगा है यार, तो वो है एक। बाकी अभी जल्दी से इनवाइट करने वाला हूँ भाई को, मैंने बोला इस वीकेंड आ जाना, बढ़िया से घर पे बैठेंगे, मम्मी से मिलाऊंगा और गांव के कुछ बच्चे हैं उनसे भी बढ़िया से मुलाकात कराऊंगा। देखो लोकल के साथ गांव घूमने का मतलब मजा लगे वही तो देखेंगे गांव देखेंगे। बाकी मतलब सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि रावत जी करके भाई ने नया चैनल शुरू कर दिया जिसमें डेली ब्लॉग डाल रहे हैं, जो सब लोग कंप्लेन करते थे कि डेली डाल रहे हो ना, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल अलग से मसाला आ रहा है और खूबसूरत वादियां दिख रही, तो आप लोग बिल्कुल जाके देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है, मजा आने वाला है मजा आएगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि बढ़िया हो गया आपके इधर भाई मिल गए, तो काफी कुछ मुझे सीखने को मिलेगा पर्सनली वहां पे, मतलब शहरों में नहीं पॉसिबल होता था, बट यहाँ मन करता है कि यार मैं कैमरा खोलूं और शूट करूं, शूट करूं ना दिन भर मतलब पागल बना मजा आ रहा है ना। हाँ ठीक है, थैंक यू नवीन भाई। ओके तो फिर नवीन भाई से मिलके मैं पहुंच गया था घर, मुझे रुकना था थोड़ा वहां पे और बातें करनी थी उनसे, बट कल क्या हुआ कि ऑफिस में अर्जेंट काम आ गया, फिर जो दूसरा बंदा था जो काम करता था उसकी जगह मतलब वो था नहीं कल अवेलेबल, तो उसकी जगह फिर मुझे वो काम करना पड़ा, तो इसलिए मुझे थोड़ा शॉर्ट सी मीटिंग रखनी पड़ी नवीन भाई के साथ, बट अब तो पास में ही है तो मैंने उन्हें इनवाइट कर रखा है इस वीकेंड, अदरवाइज जब भी उनके पास टाइम होता तो मैंने कहा आप आ जाओ गाँव में घुमाता हूँ आपको, बढ़िया से बैठते हैं बहुत सारी गप्पे वगैरह मारते हैं और आपको और भी बढ़िया सा फन करवाते हैं।
तो होपफुली ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।